फरमाइए कि बाजार में उन नोटों को भी बिकते देखा, बाजार में उन नोटों को भी बिकते देखा जो कभी खरीदने की ताकत रखते थे। जी हां, आप आ गए हैं जनमंच पर और हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। आप समझ ही गए होंगे, नोटबंदी के फैसले को 43 दिन गुजर गए हैं, 43। लेकिन इस बीच सरकार ने नोटबंदी पर कई बार, या फिर यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि बार बार नियम बदले हैं। कभी पैसों की निकासी की सीमा तय की, कभी खातों में रकम जमा करने पर पाबंदी लगाई। नोटबंदी पर सरकार के बार बार यू टर्न लेने से परेशान तो हुआ कौन? हुआ जनता, आप और हम। वो जनता जो रोज कमाकर खाती है, रोज कुआं खोदती है, रोज पानी पीती है, वो जनता जो गरीब है, वो जनता जो अपना सारा काम छोड़कर बैंक की कतार में लगी है। फैसले से काले धन के कुबेर उतने परेशान नहीं है जितना कि एक आम आदमी। यकीन ना हो तो किसी भी शहर के किसी भी मोहल्ले में एटीएम और बैंक के बाहर खड़े हो जाइए और लोगों से पूछ लीजिए। अब तो घर से निकलने से पहले यह पता करना जरूरी हो गया है कि कहीं नोटबंदी के फैसले पर सरकार फिर से कोई नया नियम तो नहीं लागू करने वाली है। पता जरूर कर लीजिएगा, मीडिया आपको हर पल का अपडेट देता रहता है, लेकिन कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकता। आखिर क्यों नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार रोज नए नए नियम लागू कर रही है, नियम कानून बना रही है? नियम लागू किए जाते हैं और कुछ ही घंटे बाद बदल भी दिए जाते हैं। क्या नोटबंदी पर मोदी सरकार कंफ्यूज नहीं है? आज इसी मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, आपके साथ चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम जनमंच की। ऐसा लगता है कि अब आरबीआई रोल बैक ऑफ इंडिया बनता जा रहा है, रोल बैंक ऑफ इंडिया कह लीजिए, रोल बैक ऑफ इंडिया कह लीजिए। पिछले अगर हम बात करें 43 दिन से नोटबंदी के फैसले को लेकर सरकार के निर्देश पर और उनके रोजाना जो नियम बदल रहे हैं उसमें जिस तरह का फेरबदल देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा तकलीफ देह है। और फेरबदल के बाद जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी को लेकर अब तक सरकार ने 60 बार नियम बदले हैं, 43 डेज में 60 बार, 60। लोग बैंक से पैसे निकलवाने या फिर जमा करवाने से पहले इस बात से डरे रहते हैं कि फिर कहीं कोई नया नियम ना आ जाए। लोग अपना ही पैसा बैंकों से निकाल नहीं पा रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से हालात सामान्य करने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा गया है, सब जानते हैं। इसमें महज एक सप्ताह और बाकी है, लेकिन सूरत जस की तस है और अब नए नए नियम और परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से काला धन रखने वालों के होश फाख्ता हो चुके हैं। लोग इधर उधर जहां तहां कैसे भी करके अपने काले पैसे को सफेद करने की हर तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काले धन के कुबेरों से सरकार दो कदम आगे की सोच कर चलती है। नोटबंदी को लागू हुए 43 दिन गुजर चुके हैं। काले धन के कुबेर जैसे ही अपना पैसा सफेद करने का कोई रास्ता निकालते हैं, सरकार नियमों में बदलाव कर देती है। नोटबंदी के बाद अब तक 60 बार नियम बदले जा चुके हैं। दे गो एंड डिपॉजिट विद द बैंक एनी अमाउंट ऑफ करेंसी, नो क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड टू देम, एंड देयरफॉर द 5000 रुपी लिमिट डज नॉट अप्लाई टू देम इफ दे गो एंड डिपॉजिट इट वंस। But if they are going to go every day and deposit some currency, the same person, that gives rise to a suspicion as to where he is acquiring this currency from. In that event, a person may have something to answer. Therefore, everyone is advised that whatever old currency you have, please go and deposit it now. जिनके पास काला धन है, वो किसी भी तरह से अपना पैसा सफेद करवाना चाहते हैं। कोई गरीबों के जनधन खाते में अपनी दो नंबर की रकम जमा करवा रहा है, तो कोई कमीशन देकर अपने पुराने नोट को नई करेंसी की शक्ल देने में जुटा है, लेकिन सरकार की सब पर पैनी नजर है। कई काले कारोबारी पकड़े भी जा चुके हैं।
काले धन को बाहर लाने के लिए सरकार नए नए नियम बना रही है, बनाने भी चाहिए, क्योंकि काला धन बाहर आना जरूरी है। नोटबंदी के फैसले का दो नंबर का धंधा करने वालों पर कितना असर हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन बार बार बदले जाने वाले नियम और फैसलों से सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हो रहे हैं जो ईमानदार हैं, गरीब हैं, जिनके पास उनकी मेहनत की कमाई है, सिर्फ वही बैंकों की लाइन में धक्के खाने को मजबूर हो रहे हैं। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो एक यूटर्न ही हो गया बिल्कुल, क्योंकि अब आम आदमी जो है अब वो लाइन में, हम देखो रोज 2,500 रुपए होते कितने हैं, 2,500 के लिए रोज लाइन में खड़ा होना पड़ता है हम लोगों को, कम से कम एटीएम में पैसा रहना चाहिए। और आप ये देखिए सेक्टर 18 में मेरे हिसाब से 10 से 12 एटीएम होंगे, मैंने 15-16 एटीएम सुबह से देखे हैं, सारे बंद हैं, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ एसबीबीआई जे इसमें सेक्टर 18 में। तो सर ये फैसला ठीक नहीं, और जो 5,000 वाला ये कभी एक चीज आ रही है कभी एक चीजें आ रही है, वो सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें नहीं चल रही हैं, तो डिसीजन अच्छे हो सकते हैं बट सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चलनी चाहिए, यही मेरा मानना है। मोदी सरकार ने 1,000 और 500 के पुराने नोटों को बैंक में जमा करवाने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर तय की है, इसके बाद बैंकों में भी पुरानी करेंसी मान्य नहीं होगी। सिर्फ एक सप्ताह ही बचा है, लेकिन अब भी लोग बैंकों की कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग अब तक अपने पुराने नोट बैंकों में जमा नहीं करवा पाए हैं। मंगलवार को सरकार ने नया नियम बनाया था जिसके तहत बैंकों में एक बार में सिर्फ 5,000 रुपए तक ही पुरानी करेंसी जमा हो पाएगी और उससे ज्यादा रकम सिर्फ एक बार में ही जमा होगी, साथ ही पैसों का स्रोत भी बताना होगा। लेकिन बुधवार को ही सरकार अपने इस फैसले से मुकर गई। बैंकों में जमा होने वाली पुरानी करेंसी पर 5,000 रुपए की बाध्यता खत्म कर दी गई। अब नए नियम के तहत आप अपने खाते में 5,000 से भी ज्यादा रकम जमा कर सकते हैं, जैसे पहले जमा हुआ करता था, बशर्ते आपके खाते का केवाईएस वेरिफिकेशन हो चुका हो। नोटबंदी के फैसले को लेकर विपक्ष पहले दिन से ही सरकार पर हमला कर रही है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि पीएम मोदी का ये फैसला गरीबों और किसानों का विरोधी है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के मेहसाणा में एक चुनावी रैली के दौरान नोटबंदी का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। क्या कारण था 6% काले धन पे निशाना लगाया, नरेंद्र मोदी जी ने 1% हिंदुस्तान के अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया, 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर निशाना लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना उन 50 परिवारों पर नहीं लगाया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भ्रष्टाचार की लड़ाई हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के लोगों पर करी। दूसरे महायुद्ध में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था, इसे फायर बॉम्बिंग कहा जाता था। पूरे देश में नोटबंदी चल रही है, हर गली, हर चौराहे और चौपाल पर बस नोटबंदी की ही चर्चा है। सुबह होते ही लोग पैसे निकालने और पुराने नोट जमा करवाने के लिए बैंकों के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। तमाम परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अखबार पढ़कर या फिर टेलीविजन पर खबरें देखकर ही बैंक जाइएगा, क्योंकि नोटबंदी पर फैसलों को लेकर मोदी सरकार कभी भी यूटर्न ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो रिजर्व बैंक को रोल बैक ऑफ इंडिया कहें, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया कहें, क्या कहें, बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल किया जा रहा है, आम लोगों पर, गरीबों पर, मिडिल क्लास पर, किसानों पर, गांव वालों पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है। रोज रोज नए नियम बनाकर के देखते हैं क्या असर होता है, देखते हैं क्या असर हो रहा है। आप जरा बताइए, इसमें अपनी राय जरूर दीजिए, आपको ये कैसा लग रहा है, आपकी इस पर क्या राय है, आपको लगता है कि ये ठीक हो रहा है, बार बार जो यूटर्न हो रहा है उससे आपको कितनी दिक्कत हो रही है, ये जरूर बताइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं जनमंच पर, आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है।